मनुष्यर बक्षगहर मध्यस्थल दुई फुसफुस मझीरे और मध्यछेदार ऊपर सामान्य बाम को हृत्पिंड अवस्थित। देख मध्यछेदा मुझे देखी थी यहाँ है मध्यछेदा यहाँ है बक्षगहर यहाँ है उदर गहर। तो बक्षगहर से कौच यटा रहा बक्षगहर उदर गहर। तो बक्षगहर मध्यस्थल दुई फुसफुस मझीरे मध्यछेदार ऊपर सामान्य बाम को हृत्पिंड अवस्थित थाए ये हृत्पिंड अवस्थित थाए बुझिपाल सामान्य बाम को आमर दुई फुसफुस जो अच्छी फुसफुस मझीरे थाए। गोटे वयप्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंडर लंब प्राय 12 सेंटीमीटर मन रखिब एटा लंब केते 12 सेंटीमीटर प्रस्त सॉरी ओसार 9 सेंटीमीटर ओजन 250 रु 300 ग्राम। गोटे वयप्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंडर लंब केते हेताय 12 सेंटीमीटर ओसार 9 सेंटीमीटर ओजन 250 रु 300 ग्राम होइथाय। एहार रंग किपरि होइथाय माटिया लाल रंग किपरि होइथाय मन रखिबो रंग माटिया लाल मन रहला माटिया लाल। हृत्पिंड रही चारोटी प्रकोष्ठ आमर केतोटी प्रकोष्ठ अच्छे चारोटी प्रकोष्ठ मीन्स कोठरी एमती चारोटी कोठरी अच्छी हृत्पिंड कौन कौन से चारोटी कोठरी देख चारोटी कोठरी ऊपर दुई प्रकोष्ठ को एट्रियम बा अलिंद और तल दुई प्रकोष्ठ को भेंट्रिकल बा नीलय कहा जाए। तो कौन अच्छी दुईटी अलिंद और दुईटी नीलय अच्छी। तो मन रखे यहाँ मनुष्य हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट बा चारिटी कोठरी अच्छी कौन कौन दुईटी अलिंद दुईटी नीलय जो ऊपर को जो दुईटी अच्छी तो यहाँ है ऊपर ऊपर जोटा अच्छी ताको कौन कहा जाउची अलिंद बा आर्टियम एट्रियम और दुईटी जो तल प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ को कौन कहा जाउची वेंट्रिकल बा दुईटी नीलय बुझिपाल चारोटी प्रकोष्ठ अच्छी ऊपर दुई प्रकोष्ठ को अलिंद एट्रियम कहुच्छे तल दुई प्रकोष्ठ को वेंट्रिकल बा नीलय कहा जाए। दक्षिण नीलय अलिंद ऊर्ध्व महाशिरा देख तुम बुक रे चित्र नंबर देख 3.1 रो क ख गोटे हृत्पिंडर बाह्य गठन किपरि होइथाय ओ आभ्यंतरीण गठन किपरि होइथाय। देख निम्न दक्षिण अलिंद ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा नामक दुईटी वृक्क रक्तवाहिनी और दक्षिण नीलय सहित फुसफुस धमनी संयुक्त बाम अलिंद सहित सेमती कौन अच्छी फुसफुस शिरा और बाम नीलय महाधमनी तुम्हें चित्र नंबर 3.1 रो क ख देखिपार मु तुमको रफ्ली देखा देख मनुष्यर जो हृत्पिंड चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट दुईट अलिंद दुईट नील तो तुम बुक रे चित्र नंबर 3.1 रो क अ ख देख तो रफ्ली मु डायग्राम काटी डायग्राम आंकी देख तो मनुष्यर हृत्पिंडर बाह्य गठन आम जब मनुष्यर हृत्पिंड को बाहर देखा तो बाहर तार केमी देखा जाए तो एमती देखा जाए कि आभ्यंतरण देखा तो आभ्यंतरण देखने ये चित्रटा देखा मैं चित्रर 3.1 रो ख देखा तो से कौचि देख बुक रे कौन दे दक्षिण अलिंद ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा नामक दुईटी वृक्क रक्तवाहिनी और दक्षिण नीलय सहित फुसफुस धमनी संयुक्त होती। देख ये चित्र देख तुम्हें देखिपार यहाँ है दुईट अलिंद दुईट नीलय कहली तो बाम दक्षिण अलिंद बाम नीलय दक्षिण नीलय
फर्स्ट चारोटी प्रकोष्ठ तो देखिपाल कि ना तो से कहि तो दक्षिण अलिंद सह ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा देख दक्षिण अलिंद सहित तो ऊर्ध्व महाशिरा आ कौन अच्छी यहाँ आमर निम्न महाशिरा संयुक्त होती तो सेमिति फुसफुस धमनी और बाम अलिंद सहित तो फुसफुस शिरा और बाम नील सहित तो महाधमनी संयुक्त होती देखिल बाम अलिंद सहित तो महाधमनी संयुक्त होती तो हृत्पिंड अलिंद नील द्वार एवं प्रकोष्ठ और रक्तवाहिनी मध्यस्थित द्वार दुईट तीनोटी परदा बा कबाट पर कपाटिका लगी था कपाटिकार प्रत्येक परदा को पाखुड़ा कह जाए जोटा कि देख ये देख सब यहाँ गोटे बाम अलिंद सॉरी दक्षिण अलिंद एटा बाम अलिंद एटा बाम नील एटा दक्षिण नील तो ये चारोटी प्रकोष्ठ को रखापी देख एमती गोटे गोटे कबाट टाइप रही तो यहाँ को कौन कह जाए गोटे गोटे कबाट बा कपाटिका अच्छी तो तार जो दुआर भली कबाट भली देखा जाए कौन कह जाए पाखुड़ा कौन कह जाए पाखुड़ा दक्षिण अलिंद और दक्षिण नील द्वार तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका रही तो देख यहाँ है दक्षिण अलिंद यहाँ है दक्षिण नील तो दक्षिण अलिंद और दक्षिण नील मझे कौन अच्छी तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका अच्छी सेमिति बाम अलिंद और बाम नील पाखे जोटा अच्छी कपाटिकाटा से पाखुड़ा विशिष्ट दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका तो देखिपार्च दुई तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका क्योंटी अच्छे दक्षिण अलिंद और दक्षिण नील दक्षिण अलिंद दक्षिण नील तो बाम अलिंद बाम नील मझे कौन अच्छी दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका नील और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका को अर्धचंद्राकृति कपाटिका कहुए देख नील से कौच कौन नील और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका को देख एटा नील आउ रक्त महाशिरा अर्धचंद्राकृति कपाटिका बोली कहुए अलिंद और नील मध्यस्थित कपाटिका नील आड़ को नील और रक्तवाहिनी मध्यस्थित कपाटिका रक्तवाहिनी आड़ को खोली पारे तेणु रक्त केवल गोटे दिगरे प्रवाहित होता है जोटा मुझ फर्स्ट कहली रक्त गोटे दिगरे प्रवाहित होता है से पक्षक फेरी पारे ना कौन पर फेरी पारे कहीं तार गोटे कपाटिका थाए ये कपाटिका देख लुई पाखुड़ा विशिष्ट और तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका तेणु रक्त केवल गोटे दिगरे था कपाटिका बंद हो गले रक्त से बाटे पक्षक फेरी पारे ना हृत्पिंड चारोटी प्रकोष्ठ मध्य बाम अलिंद अधिक दक्ष और यार प्राचीर अधिक मोटा कारण बामपट नीलयर संकोचन हेले अम्लजान युक्त रक्त महाधमनी दे शरीर विभिन्न अंग को जाए देख से कौचि आम हृत्पिंड जो चारोटी प्रकोष्ठ बाम अलिंद बाम नील दक्षिण अलिंद दक्षिण नील से मध्य बाम नीलयटी अधिक दक्ष और तार प्राचीर देख बाम नीलय क्योंटा यहाँ तो बाम नीलयटी है यार प्राचीर अधिक मोटा तेणु ये अधिक दक्ष तो तेणु यार प्राचीर अधिक दक्ष हो बामपट नीलयर संकोचन हेले अम्लजान युक्त जितेबाला बामपट नीलयर संकोचन हेब अम्लजान युक्त रक्त महाधमनी दे के जाए फुसफुस विभिन्न अंग निकट को जाए दाहाणपट नीलर संकोचन फल अम्लजान विहीन रक्त फुसफुस धमनी दे फुसफुस को जाए तो डाहाणपट नीलयर कौन होता है दक्षिणपट नीलयर जितेबाला संकोचन होता है तो अम्लजान विहीन रक्त मान अंगारकाम्ल युक्त रक्त क्योंकि जाए फुसफुस निकट को जाए बुझिपाल बाम नील अधिक दक्ष कहीं तार प्राचीर अधिक मोटा थाए जहाँफल अम्लजान तार संकोचन बेले अम्लजान युक्त रक्त विभिन्न अंग प्रत्यंग को जाए तो दक्षिण नीलयर संकोचन फल रक्त महाधमनी दे अंगारकाम्ल युक्त रक्त बा अम्लजान विहीन रक्त फुसफुस निकट को जाए बुझिपाल देन हृत्पिंड गठन करुवा पेशी शरीर अन्य पेशी ठारु भिन्न तेणु जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत यही पेशीर अनवरत संकोचन और शिथिलन घटी थाए फर हृत्पिंड स्पंदित होता है देखो आम शरीर जो अन्य पेशी मान अच्छी तामध्यरु शरीर हृत्पिंड जो गठन होती जो पेशी तो अन्य प्रकार कहीं तो तेणु यार जितेबाला संकोचन प्रसारण अनवरत चली थाए बुझिपाल जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत अनवरत तार संकोचन प्रसारण होता है
तो साधारण तो गोटे सुस्थ व्यक्ति हृत्पिंडन स्पंदन के एक मिनिट को 72 थर मन रख एक मिनिट को केते थर 72 थर मन रख एक मिनिट को केते थर 72 थर हृत्पिंड मांसपेशी को हृद्धमनी और हृत्शिरा द्वारा रक्त संचालित होता है। मनीष तथा अन्य स्तन्यपायी और पक्षी मानक हृत्पिंड चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट होइथिबारु एमानक हृत्पिंड अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण हुए ना। देख आम मनुष्य कह कि अन्य स्तन्यपायी प्राणी कह तो आम मानकर ओ पक्षी मानकर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ होता है चारि प्रकोष्ठ होता है। तो चारि प्रकोष्ठ होगा फल अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्त एम मिश्रण हुए ना। कहीं अम्लजान युक्त रक्त वाम नील देकर प्रवेश होगा अम्लजान विहीन रक्त दक्षिण नील मध्यम तो से दुईज मिश्रण हुए ना। वाम पटर अलिंद और नीलय मध्य अम्लजान रक्त प्रवाहित होता बेले दक्षिण पट अलिंद नील दे अम्लजान विहीन रक्त जोटा मुझे कहली वाम अलिंद वाम नील पटे अम्लजान युक्त रक्त दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय मध्य अम्लजान विहीन रक्त संचालित होता है। शरीर कौन सी अंग को थे रक्त पहुँचला बेलू हृत्पिंड दुई थर हृत्पिंड प्रभावित होता है। तेणुताको कौन कहु ए प्रकार रक्त संचालन को द्वैत रक्त संचालन कहुए बुझिपाल। तो से कौच जिते बड़े गोटे थर मान गोटे अंग पाख को रक्त पहुँचला बेलू हृत्पिंड दुई थर प्रभावित होता है कहीं जाए पुणे आसी थाए तो जिते बड़े गोटे अंग पाख को पहुँचता है तो दुई थर प्रभावित होता है। तेणु कौन कहु मनुष्य मन रख रक्त संचालन द्वैत संचालन द्वैत संचालन मन रख द्वैत संचालन बुझिपाल। तो देन देख यहाँ मनुष्यर देन मछर देखा मछर रक्त संचालन किपर हुए मछर हृत्पिंड दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट मन रखा मछर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट। तो मनुष्य और स्तन्यप्राय प्राणी मानकर केते प्रकोष्ठ विशिष्ट देखा चारि प्रकोष्ठ विशिष्ट तो मछर केते प्रकोष्ठ विशिष्ट मछर दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट मछर दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट एथिरे रही गोटे अलिंद गोटे नीलय कौन कौन रही गोटे अलिंद और गोटे नीलय मन रहा गोटे अलिंद गोटे नीलय शरीर अंगारकाम्ल युक्त संग्रहित हो हृत्पिंड मध्य गाली भितर को जाए गाली रे रक्त द्रवीभूत अम्लजान आहरण करे और ताहा शरीर विभिन्न अंग को प्रभावित हुए रक्त केवल थरे मात्र हृत्पिंड मध्य प्रभावित हो कौन कह एकक संचालन बुझिपाल। यार गोटे अलिंद और गोटे नीलय अच्छी तो जमीती मनुष्य शरीर में रक्त गोटे अंग पाखे पहुँचा बेले हृत्पिंड दुई थर प्रभावित होता है तो सेमती तो से कौन कह द्वैत रक्त संचालन तो मछर मध्य गोटे अंग पाखे पहुँचापी गोटे थर रक्त प्रभावित होता है तेणु ताको कौन कह एकक संचालन। देन मछ पर देखा बेंग देख बेंग आदि उभयचर हृत्पिंड तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट बेंगर केते प्रकोष्ठ विशिष्ट तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट केते प्रकोष्ठ विशिष्ट देख ल तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट तार कौन अच्छी दुईटी अलिंद गोटे नीलय दुईटी अलिंद गोटे नीलय मन रहा दुईटी अलिंद गोटे नीलय दक्षिण अलिंद शरीर विभिन्न अंगर अम्लजान विहीन और बाम अलिंद फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त पहुँचे अलिंदर संकोचन हेले रक्त नीलय मध्य को प्रवेश करे अर्थात नीलय अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण होता है। देख यार तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट हो गोटे अलिंद और नीलय मध्य तो बाम अलिंद फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त पहुँचे और दक्षिण अलिंद अम्लजान विहीन रक्त पहुँची थाए तो जहाँफल कि संकोचन प्रसारण होगा फल अम्लजान युक्त रक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण
घटी थाए। नीलयर संकोचन हेले मिश्रित रक्त धमनी मध्य दे विभिन्न अंग को प्रभावित होता है। ये नीलय अच्छे ये अलिंद बाम अलिंद दक्षिण अम्लजान युक्त रक्त अम्लजान विहीन रक्त मध्य मिश्रण है। मिश्रण होगापर जो नीलयर संकोचन घटे तो विभिन्न अंग को प्रभावित होता है। उभय बेंग और अन्य उभयचर शरीर में गति होता है। कम शक्ति आवश्यकता पड़ता है तेणु एम निकट में अम्लजान चाहिदा कम होता है। बुझिपाल कहीं एम शक्ति कम आवश्यक होता है तेणु अम्लजान एम को अधिक आवश्यक होता है ना। देन देखा एमंर केमी थाए एम दुईट अलिंद थाए गोटे नीलय थाए। बुझिपारल तो बेंगर एमती दुईट अलिंद गोटे नीलय थाए। तो दुईट अलिंदर दक्षिण अलिंद अम्लजान विहीन रक्त और बाम अलिंद सॉरी बाम अलिंद अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस निकट में पहुँची थाए। तो संकोचन होगा फल अम्लजान युक्त रक्त अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण घटी थाए। नीलयर संकोचन फल कौन हुए यहाँ नीलय नीलयर संकोचन फल अंग निकट में प्रभावित होता है। तो एमानों पर शक्ति कम आवश्यक होम्लजान चाहिदा एमानों पर बहुत कम होता है।